हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशंस हब। इन दिस वीडियो आई एम हियर टू डिस्कस मिसिंग नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वह अपन डिस्कशंस करेंगे। जिनका भी एग्जाम्स है 22nd ऑफ फेब और 23rd ऑफ फेब, जिनका भी SBI क्लर्क प्री का जो एग्जाम्स है वो होना है, तो उसके लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो पूरा का पूरा सेशंस देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में लास्ट ईयर जो मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आ रखे थे, किसी भी सब्जेक्ट में हो तो वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चंस देख लीजिएगा, क्वेश्चंस का लेवल ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। ओके, ध्यान से देखिएगा पूरा का पूरा वीडियो। अगर कोई भी डाउट्स लगे, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, सर ये चीज़ नहीं समझ में आई है। ओके, आज अपनी 19th क्लासेस हैं, टोटल्स 18th क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेरी गारंटी है आप लास्ट 18th क्लासेस जरूर देखिएगा, बहुत यूजफुल है और बहुत ही हेल्पफुल रहेगी जिनका भी एग्जाम से SBI क्लर्क का। इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो नहीं जाएगा, गारंटी है। प्लीज़ एक बार जाइए, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी सुविधा के लिए। आप प्लेलिस्ट में जाके क्लिक कीजिएगा, नंबर सीरीज नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, 150 क्वेश्चंस की मैं सीरीज लेके चल रहा हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। अभी अपने पास लगभग 99 100 करीबन एक तरह से कम्प्लीट हो जाएगी। ओके, तो प्लीज़ जाइए देख लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करता हूँ सेशंस को विदाउट टाइम वेस्टिंग्स। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लें, देन वीडियो को शेयर कर दें, देन वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा एक तरह से मोटिवेशन इंक्रीज हो सके। ओके, एंड देन अगर आपको PDF चाहिए इन सारी क्लासेस का एक साथ PDF आपको कलेक्शंस, ताकि आपके प्रैक्टिस के लिए एक तरह से सुविधा हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हमको चाहिए, मैं आपको PDF देने के लिए भी रेडी हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेबल्स नहीं है, ओनली फॉर आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके, मेरी गारंटी, इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा, आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा। पैटर्न राइट, जो पैटर्न होता है उससे बाहर नहीं मिलेगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं सेशंस को। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चंस, वन सेकंड, 91 क्वेश्चंस, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, 91 क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चंस टोटल्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं 90 क्वेश्चंस, तो उसकी लास्ट क्लासेस में जाके देख सकते हैं। आज अपन 91 से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चंस का लेवल देखिए, 6, 7.2 एंड 8.7 एंड 10.8, 14.8, 1 एंड देन क्वेश्चंस मार्क, ये आपका क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको अभी भी एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है इसी लेवल पे। ओके, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, मिसिंग नंबर सीरीज हो, रॉन्ग नंबर सीरीज हो, मिसिंग नंबर सीरीज थोड़ी सी एक तरह से कह सकते हैं टाइम सेविंग होती है एज कम्पेयर टू द रॉन्ग नंबर सीरीज में। ओके, तो उसको आपको करने में थोड़ी एक तरह से, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, लास्ट क्वेश्चंस लगाए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हलवा टाइप होते हैं। ओके, प्री के क्वेश्चंस बहुत ही हलवा टाइप होता है, विदाउट पेन एंड पेपर आप इस क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ओके, देखिए 6, 7.2, 8.7, 10.8 एंड 14.1, यहाँ से सीरीज पता चल रही कि सीरीज का पैटर्न क्या है, एक तरह से डिफरेंस पीस पर सीरीज है। ओके, अब देखिए 6 से 7.2, माय डियर एस्पिरेंट्स वेरी इजी है, 6 से 7.2 अपन कह सकते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दोनों के बीच में, यहां पर 1.2 का डिफरेंस है, राइट, प्लस का। ओके, यहां पर अपन कह सकते हैं, देखिए अगर आपको पॉइंट्स रिलेटेड नहीं समझ में आता, तो पॉइंट्स यहाँ से आप लेस कर सकते हैं, पॉइंट यहाँ से लेस कर सकते हैं, क्योंकि 1-1 पॉइंट के बाद संख्या है, तो यहाँ पर आप एक 0 लगा सकते हैं, ताकि सारी संख्या सेम हो जाए। ओके, अब क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, 1 पॉइंट यहाँ पर 12 आया, फिर तो 72 प्लस यहाँ पर अपन ऐड करेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स 8 और 7 आपकी यहाँ पर 15 होता है, राइट। और ना यहाँ देख सकते हैं 13 प्लस 8 यहाँ पर 21 होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर 41 माइनस 8 करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स, तो देखिए 33, राइट, 3.33 यहाँ पर हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 12 से 15, यानी कि 3 का डिफरेंसेज है, 15 से 21, इट मीन 6 का डिफरेंसेज है, 21 से 13, यानी कि 9 और 3 12 का डिफरेंसेज है, तो नेक्स्ट बिकम्स 3 से डबल 6 का डबल 12 और 12 का डबल 24 यहाँ पर होना चाहिए था, 24 इसमें ऐड करेंगे तो 4 और 3 7 और 3 और 2 5, यानी कि 57 इज़ द करेक्ट, 57 इसमें ऐड कीजिए 8
और 14 और 5 आपके 9, राइट। 198, 198 सी इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट अपन ने हटाया तो पॉइंट आप यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं कि एक एक संख्या के बाद पॉइंट है। इस टाइप से आप क्वेश्चंस को पॉइंट से रिलेटेड कोई जो भी क्वेश्चंस हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा कैसे आप इजी वे में उसको बना के सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट में चांसेस रहता है कि आपकी गलती हो जाए एक तरह से लेस करने में, राइट, ऐड करने में। इसमें कोई गलती नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ओके, अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा क्वेश्चंस था, प्री लेवल का क्वेश्चंस था, पूछ सकता है एग्जामिनर आपको। ओके, थोड़ा सा हाई था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस था प्री में। ओके, इससे अप ही पूछेगा, इससे लो ही पूछेगा, इससे अप एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। ओके, मूविंग ऑन चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है, 7, 14, 40 एंड 103 एंड 1227 एंड देन क्वेश्चंस मारो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। देखिए 7 से 14, 14 से 40, 40 से 103, 103 से 27। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सर मल्टीप्लिकेशन जा रहा है, ये इसका 2 टाइम्स करीबन करीबन, ये इसका 2.5 टाइम्स हो रहा है, राइट, ये इसका 3 टाइम्स है, -2 है, राइट, और ये इसका 2 टाइम्स है। तो एक तरह से कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है बट मल्टीप्लिकेशन का कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है अपने को, राइट। मिल रहा है क्या पैटर्न? देखिए कोई पैटर्न नहीं मिल रहा, तो देखिए ये आपको ऑब्जर्वेशंस होना चाहिए। ये आपको कब आएगा? जब आप एग्जाम्स में अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाएंगे, अच्छे लेवल पे जो लास्ट क्वेश्चंस करवाएं वो प्रैक्टिस करके जाएंगे, वही क्वेश्चंस इस टाइप के कर सकते हैं एकदम ऑब्जर्वेशन स्किल से। ओके, बहुत से स्टूडेंट्स इस पैटर्न को लगाएंगे देन वापस यहाँ पर डिलीट करेंगे, फिर दूसरा पैटर्न शो जाएंगे, इतने में टाइम हो जाएगा। बहुत से और कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रैक्टिस की है मेरे साथ, वो क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि नहीं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स नहीं हो रहा है एंड देन वहाँ पर वापस डिफरेंस के इस पर जाएंगे। देखिए यहां पर कह सकते हैं कि एक तरह से 7 का डिफरेंसेस है, राइट, यहां पर 26 का डिफरेंसेस है। ओके, यहां पर 60 प्लस 63 यानी कि 63 का डिफरेंसेस है। यहां पर अपन कह सकते हैं, यहां पर देखिए 103 यानी कि 124 का डिफरेंसेज है, राइट। और नेक्स्ट आपका क्या होगा? नेक्स्ट आप बिल्कुल एज इट इज बता सकते हैं जिन्होंने मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। देखिए ये आपका 2 का क्यूब -1 है, ये आपका 3 का क्यूब -1 है, ये आपका 4 का क्यूब -1 है, राइट, ये आपका 5 का क्यूब -1 है। तो देन बिकम नेक्स्ट आपका 3, 6 का क्यूब -1 होना चाहिए। तो 6 का क्यूब आपके वो था माय डियर एस्पिरेंट्स 216, 216 -1 करेंगे तो अपने पास आएगा 215, राइट, 215 इज द करेक्ट। इट मीन्स इसमें अपन को जोड़ना है 7 और 5, 12, 2 और 2 1, 2 और 2 4 एंड 2 और 2 4 यानी कि 442 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, आई होप सो गाइस क्लियर हुआ होगा। अच्छा लगा क्वेश्चंस की, हाँ सर अच्छा क्वेश्चंस था, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। देखिए ये थोड़े अप लेवल पे क्वेश्चंस, थोड़ा हाई लेवल है एक तरह से कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट कुछ लेवल के क्वेश्चंस हैं। ओके, इसमें आपको इससे अप लेवल बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। इससे नीचे ही आपको मिलेगा, इससे लो लेवल ही मिलेगा। तो प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अप लेवल करके जाएंगे तो एग्जाम्स में आपको जो भी क्वेश्चन लो लेवल का हो विदाउट पेन एंड पेपर आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ 92। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 93 पे। देखिए 250 क्वेश्चन मार्क, 190, 167 एंड 148 एंड 131, दैट इज द क्वेश्चन। क्लियर, अब देखिए इसका आंसर्स क्या हो सकता है, इसका पैटर्न क्या हो सकता है। पैटर्न पे ध्यान रखिएगा, संख्या कोई भी हो पैटर्न हमेशा ध्यान रखिए सेम ही रहता है। ओके, 131 और 148 यहाँ से सीरीज अपन लेते हैं, एकदम मिनिमम जो एकदम कम नंबर है उसमें लेते हैं। देखिए 131 में से यहाँ पर कितना ऐड करें तो माय डियर फ्रेंड्स अपने पास 148 आए, तो 9 और 8, राइट, 17 का डिफरेंसेज है, 9 और 8 अपने पास 17 का है, राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर
यहाँ पर देख सकते हैं 148, 168 होता 20 होता, 1 ग्लास है तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं 19 का डिफरेंसेज है। यहाँ से ऐसे चल रही है सीरीज, ओके ये देखिए एरो कर रहा हूँ ना मैं, यहाँ से ऐसे चल रही है, कंफ्यूज मत हो, सिर्फ माइनस का आएगा ना। देखिए 167 से 190 हो रहा है, तो इसको 70 मानिए, 70 20, 90 प्लस 3 है तो +3 इसमें ऐड कर दीजिए, 23 का डिफरेंसेज। क्लियर, 70 90 23, नेक्स्ट अपने पास नहीं है और नेक्स्ट भी अपने पास नहीं है। यहाँ से सीरीज पता चल रही है, दैट इज द प्राइम नंबर सीरीज, राइट। प्राइम नंबर सीरीज है, 17 से स्टार्ट हो रही है, 19 23, नेक्स्ट आपका 23 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 23। 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 भी नहीं है, नेक्स्ट आपका होगा 29, राइट 29, और नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर होगा 31, 31, ओके 30 31 और 29, इन दोनों को ऐड कीजिए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 60, 60 इन दोनों का डिफरेंसेज होना चाहिए तभी आपका सीरीज सही है, 60 इसके दोनों का डिफरेंसेज बिल्कुल है, तो इट मीन्स 31 इसमें ऐड कर दीजिए, 1 5 4 3 8 और 2 का 2, यानी कि 281 यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए था, राइट 281, नॉट एट ऑल, इट मीन्स आपकी माइनस करना है, ओके माइनस करना है, 31 इसमें से माइनस करना है, नॉट ऐड करना है, 31 क्योंकि माइनस चल रहा है, इधर से माइनस होगा, फिर इधर से प्लस कर रहा है, इधर से 29 जोड़ दीजिए, एक ही बात है, 120 1 1 210 एंड +9, यानी कि 219 इज द करेक्ट आंसर, ओके क्लियर हुआ, 219 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप सो गाइस क्लियर हुआ होगा, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट भी देखिए 1996, ये तो बहुत ही इजी है, बहुत ही हलवा टाइप क्वेश्चंस है, देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। यहाँ से देखिए ये सीरीज, देखिए बहुत से स्टूडेंट्स इसको यहाँ से डिफरेंसेस करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं करना, यहाँ से डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर +8 का डिफरेंसेज है, यहाँ पर -11 का डिफरेंसेज है, राइट तो यहाँ पर +8 का डिफरेंसेज होगा, +8 यहाँ पर -8 होना, +8 कर सकते हैं, ओके यहाँ पर -11 है, 101 -11 करेंगे तो 90, 90 -11 करेंगे तो 79, बिल्कुल करेक्ट मैच हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर ऐसा कौन सी संख्या है जिसमें से +8 करने पर 126 आए, इट मीन्स यहाँ से लेस कर दीजिए, तो यहाँ से लेस करेंगे, 118 इज द करेक्ट, 118 +8 इज इक्वल टू 126, राइट 118 118, इट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर हुआ, 94 भी क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है क्वेश्चंस, तो प्लीज़ बताइए, किसी भी आपको लगे कि इस क्वेश्चंस में डाउट है, नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, ओके अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बताइए। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिस किसी स्टूडेंट्स ने लास्ट क्लासेस जरूर ली है वो ये क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर, बिल्कुल 10 सेकंड्स का भी, 10 सेकंड से भी कम है, 10 सेकंड से भी क्वेश्चन आंसर्स आना चाहिए इस क्वेश्चन का, ऐसा क्वेश्चन है जिसने प्रैक्टिस की है तो, ओके 12 से 12, यहाँ से लग रहा है कि अपन को ये 1 टाइम्स है, यहाँ से लग रहा है कि ये 3, यहाँ से लग रहा है कि 5 टाइम्स है, नेक्स्ट आपका 7 टाइम होना चाहिए, नेक्स्ट आपका 9 टाइम्स होना चाहिए, दैट इज द सीरीज, ओके कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर भी 2 का और नेक्स्ट भी यहाँ पर भी 2 का, इट मीन्स इंटू 5 हो गया, इंटू 7 करेंगे तो 7 आएगा 126, यानी कि 126 1260, इंटू 9 करेंगे तो अपने पास आएगा 11,340, ओके आप सॉल्व भी कर सकते हैं, देखिए मैच करने के, 9 6 9 6 9 6 54, इट मीन्स 9 6 54, इट मीन्स 5 का कैरी, 9 2 18, 18 का 18 प्लस 5 23, 2 कैरी, 9 1 9 एंड 2 का 9 1 9 एंड +2, इट मीन्स आपके 11, यानी कि 11,240 340, ओके 340, ओके
क्लियर हुआ? आई होप सो गाइस क्लियर हुआ होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया क्वेश्चंस तो प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर समझ में आया है हमको। ओके, अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने ऑल ओवर ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में, सर्कल्स में, जहाँ कहीं भी हो प्लीज़ शेयर करें। ओके, ताकि अदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो पाए। सब्सक्राइब अगर अभी तक भी नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ओके, आई रिपीट अगेंस, PDF चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, सर हमको PDF चाहिए, मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए PDF आपको दे दूंगा, टोटल्स 995 क्वेश्चंस का एक साथ PDF आपको दे दूंगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड शेयर इन द वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।